हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट, जो कि हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 13 है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम अलग अलग मूवमेंट जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि जैसे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेट किए जाते हैं, हो ची मिन्हा वियतनाम की इंडिपेंडेंस से रिलेट किए जाते हैं, कुछ इसी तरीके से महात्मा गांधी हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी अपने वापस आए होमलैंड। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। दो डिकेड्स के बाद जब वो वापस आए, यानी कि लगभग 20 साल के बाद, तो उन्हें कुछ डिफरेंस दिखा। तो जब गांधी जी 1915 में वापस आए, 1893 में वो गए थे, इन दोनों टाइम में कुछ डिफरेंस था। पहला डिफरेंस ये था कि ब्रिटिशर्स की अब पॉलिटिकली वो बहुत एक्टिव हो चुके थे, और सेकंड था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस अब काफी मेजर सिटीज और टाउन्स में भी थी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने से पहले कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 तक चल रही थी। इसमें काफी मोस्टली मिडिल क्लास को अपील की जा रही थी। इस मूवमेंट के मेजर लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पॉल, जो कि बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से थे। इन तीनों को लाल, बाल और पाल भी कहा जाता है। ये एक्सट्रीमिस्ट थे। गांधी जी अपने पॉलिटिकल मेंटर कहते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और इन्हीं की एडवाइस पे गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप पूरा एक साल ट्रैवल करो ब्रिटिश लैंड में, क्योंकि आप काफी टाइम बाद आए हो तो आपको पता नहीं है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या चीजों से सफर कर रहे हैं, तो जमीनी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आप टूर करो पूरे ब्रिटिश इंडिया का। गांधी जी की फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस हुई जब BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पे। ये हुई फरवरी 1916 में जो ये इवेंट हो रहा था, इसमें वो सब लोग प्रेजेंट थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए डोनेशन दिया था। काफी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस भी प्रेजेंट थे। इन सब नामी लोगों के आगे गांधी जी को कंपैरेटिवली अभी कोई जानता नहीं था। जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने बोला, तो गांधी जी ने ये कहा कि अमीरों को लेबरिंग क्लास के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको कंसर्न होना चाहिए इनका। एनुअल कांग्रेस की मीटिंग हुई लखनऊ 1916 में। इस टाइम पे गांधी जी के पास एक किसान आए जो कि चंपारण से थे, बिहार। उन्होंने कहा कि वहां के जो किसान हैं उनके साथ ब्रिटिशर्स बहुत हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली जो इंडिगो प्लांटर्स हैं। तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए, और वहां के पेजेंट्स की ये मांग थी कि उन्हें फ्रीडम मिलेगी, वो अपनी मर्जी के क्रॉप्स ग्रो कर पाए। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने गुजरात, जो कि उनका होम टाउन था, होम स्टेट, वहां से उन्होंने दो मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हुए, दो कैंपेन्स में। पहला था अहमदाबाद में, जहाँ के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स चाहते थे कि उनकी कंडीशंस थोड़ी बेटर हो, वहां की वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी। और दूसरा था पेजेंट्स ऑफ खेड़ा, वहां के किसान ये चाहते थे कि उनकी फसलें खराब हो चुकी थी, फेल हो गई थी, तो उन लोगों को टैक्स में थोड़ी तो माफी मिलनी चाहिए। आप देख सकते हो ये पूरा चैप्टर डेट से रिलेटेड है। 1915 में गांधी जी आए, 1916 में उनकी पब्लिक अपीयरेंस, 1917 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट में पार्ट लिया, 1918 में उन्होंने दो मूवमेंट्स में पार्ट लिया। अगर आपको डेट्स नहीं भी याद होती तो आप इन इवेंट्स को ऑर्डर में ही याद करने की कोशिश करना, ताकि एटलीस्ट आप आंसर लिखते हुए आपकी थ्योरी और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब 1914 से 18 में ग्रेट वॉर भी चल रहा था। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑन द प्रेस, इसका मतलब कि अब जो भी छपेगा वो पहले ब्रिटिशर्स की मंजूरी से ही छपेगा। और दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स ने परमिट कर दिया कि बिना ट्रायल के, कोर्ट ले जाके, कोर्ट में केस हो, इन सब के ट्रायल के बिना आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो, मतलब उसको जेलों में डाल सकते हो। अब कमिटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रोलेट थी,
उनके रिकमेंडेशन पे काफी टफ मेजर्स कंटिन्यू किए गए ब्रिटिशर्स ने, और इनके रिस्पांस में गांधी जी ने पूरे कंट्री वाइड कैंपेन किया अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भी इनके नाम से ही पड़ा था, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने कैंपेन किया। प्रोटेस्ट पर्टिकुलरली पंजाब में सबसे ज्यादा था। इसकी वजह थी कि पंजाब के काफी सारे मेन ने ब्रिटिश साइड से वॉर में लड़ाई की थी, उनको एक्सपेक्टेड था कि उन्हें कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बदले में उन्हें रॉलेट एक्ट दे दिया गया था। इसके तहत ये हुआ कि गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, उन्हें पंजाब नहीं जाने दिया और काफी प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेस मैन को भी अरेस्ट कर लिया। सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हुई जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पे ब्रिटिश के ब्रिगेडियर जो कि जनरल डायर थे, उन्होंने ट्रूप्स यानी कि आम लोगों पे गोलियां बरसा दी। लगभग 400 लोग, उनसे भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई जलियांवाला बाग मैसेकर में। इस इवेंट के कारण लोगों में काफी गुस्सा उठा और रॉलेट सत्याग्रह में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और यही वो सत्याग्रह था जहां से गांधी जी एक ट्रू नेशनल लीडर के तौर से उभरे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल की। नॉन कॉपरेशन मतलब अब ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना, उनके स्कूल्स नहीं जाने, कॉलेजेस नहीं जाने, कोर्ट्स नहीं अटेंड करने, उनको टैक्सेस नहीं पे करने, बिल्कुल ब्रिटिशर्स के साथ नो कॉपरेशन। गांधी जी ने होप किया कि अगर वो नॉन कॉपरेशन के साथ खिलाफत को ऐड कर देंगे तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इकट्ठे हो जाएंगे इस मूवमेंट में। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी, लॉयर्स ने कोर्ट अटेंड करने बंद कर दिए, हिल ट्राइब्स जो नॉर्दर्न आंध्रा में थी उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, फार्मर्स इन आंध्रा ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। फरवरी 1922 में अब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट एक वायलेंट इंसिडेंट था। उसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, नॉन कॉपरेशन को, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काफी सारे इंडियंस को जेल में भी डाल दिया गया था। मार्च 1922 में गांधी जी ने खुद को भी अरेस्ट करा दिया। गांधी जी सिंपल धोती पहनते थे, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम चरखा चलाया करते थे और वो लोगों को भी एनकरेज करते थे कि तुम भी चरखा चलाओ। उनकी कोशिश रहती थी कि जो कास्ट सिस्टम है, गरीब अमीर है, उसके बीच का गैप ब्रेक किया जा सके। अब कांग्रेस की नई ब्रांचेस सेटअप हुई अलग अलग पार्ट्स में, प्रजा मंडल्स एस्टैब्लिश हुए, जो मेन काम उनका ये था कि वो नेशनलिस्ट क्रीड जो प्रिंसली स्टेट है वहां पे उन्हें बढ़ाएं। गांधी जी ने एनकरेज किया कि अपनी मदर टंग मातृभाषा में बात करो, इंग्लिश में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी प्रिजन से फरवरी 1924 में रिलीज हुए। इसके बाद उन्होंने बेसिकली सारा फोकस सोशल काम पे करना शुरू किया। गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो, इन सब चीजों पे अब वो फोकस करने लगे। सॉल्ट सत्याग्रह, जैसे कि हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद जब गांधी जी को जेल से रिलीज किया गया, उसके बाद वो मोस्टली सोशल रिफॉर्म के काम कर रहे थे। ऑल इंडिया कैंपेन चल रहा था जो कि अपोज कर रहा था व्हाइट साइमन कमीशन को। ये इसीलिए अपोज किया जा रहा था क्योंकि साइमन कमीशन बनी थी इंडियंस की प्रॉब्लम्स देखने के लिए, लेकिन इसमें कोई इंडियन था ही नहीं, तो लोग चाहते थे कि ये कमीशन ना सेटअप हो, इसको वापस भेजा जाए। दिसंबर 1929 के एंड में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ लाहौर में। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था दो वजह से। पहला था कि जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, और दूसरा था प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 29 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर से ऑब्जर्व किया गया। अलग अलग जगहों पे लोगों ने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। दांडी, जैसे ही इंडिपेंडेंस जो ऑब्जर्व हुआ उसके बाद गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो एक मार्च करेंगे टू ब्रेक सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला लॉ जो कि था सॉल्ट से रिलेटेड। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब हिंदू मुसलमान हर घर में नमक तो यूज होता ही है, तो इससे कोशिश थी गांधी जी की ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी मूवमेंट में पार्ट लें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हों।
गांधी जी ने इस मूवमेंट की पहले ही एडवांस नोटिस सॉल्ट मार्च का लॉर्ड वॉइसरॉय आइविन को दे दिया था, लेकिन उनको लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग इनके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस मूवमेंट में। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से शुरू किया सॉल्ट मार्च का। 2 हफ्ते तक, लगभग 3 हफ्ते तक उन्हें लगे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। उन्होंने हाथ पानी में डाल के एक मुट्ठी पूरा नमक निकाला एंड इस तरीके से उन्होंने उस लॉ को ब्रेक किया। अलग अलग जगहों पे भी इस तरीके से सॉल्ट मार्चेस निकाली गई। सॉल्ट मार्च 3 रीजंस के कारण बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला कि इस मार्च से गांधी जी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली। इस मूवमेंट को यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने कवर किया, मतलब ये वहां पे भी छपा होगा। दूसरा, इस मूवमेंट में वुमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और तीसरा मूवमेंट ये था कि इस सॉल्ट मार्च से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि अगर वो रहना चाहते हैं इंडिया में हमेशा, तो उनको कुछ पावर्स तो इंडियंस को भी देनी पड़ेंगी, नहीं तो ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1930 में। गांधी जी को जेल से जनवरी 1931 में रिलीज किया गया। गांधी आइवन पैक्ट हुआ, उसमें ये देखा गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने कॉल ऑफ कर ली, उसके बदले सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लेटर पार्ट ऑफ 1931 में। गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कांग्रेस ये क्लेम कर रही थी कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनके अलावा 3 और पार्टीज भी वहां पे थी। पहले मुस्लिम लीग, वो कह रही थी कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा प्रिंसेस, वो वहां पे ये क्लेम कर रहे थे कि कांग्रेस का कोई रोल नहीं है उनकी टेरिटरीज में, तो वो खुद को खुद ही रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा B.R. अम्बेडकर, वो ये कहते थे कि कांग्रेस जो है वो लोअर कास्ट को लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है और गांधी जी और कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है लोअर कास्ट से, तो वो उनको रिप्रेजेंट करने आए थे। कॉन्फ्रेंस जो हुई लंदन में वो इनकंक्लूसिव रही, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। गांधी जी ने लंदन से वापस आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू कर दिया। 1931 में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये नया एक्ट था, ये प्रॉमिस कर रहा था कि अब इंडियंस को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। 2 साल बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई। 8 out of 11 provinces में कांग्रेस जीती। सितंबर 1939 में, 2 साल बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने एज्यूम किया ऑफिस और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। 1940 और 1941 में कांग्रेस अलग अलग जगहों पे इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह कर रही थी। इसका मेन पर्पस ये था कि वो ब्रिटिशर्स को ये चाहती थी कि वो उन्हें प्रॉमिस करें कि इस वॉर के बाद उन्हें आजादी दी जाएगी। इसके टाइम में ही मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि डिमांड नहीं कि उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। अब इस टाइम पे सिचुएशन ये हो चुकी थी कि इंडिया वर्सेस ब्रिटेन नहीं रह गया था, अब ये कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग एंड ब्रिटेन, ये 3-वे स्ट्रगल हो चुकी थी। चर्चिल ने कोशिश की, उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया, और कोशिश की कि वो गांधी जी और कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सके, लेकिन वो मिशन फेल हो गया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने थर्ड मेजर मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया, जो कि थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये शुरू हुई अगस्त 1942 में। गांधी जी को ऑल्दो जेल कर दिया गया, लेकिन यूथ एक्टिविस्ट्स ने बढ़ चढ़ के पूरे देश में स्ट्राइक्स की। 1944 में जब वॉर खत्म होने लगा, गांधी जी को रिलीज कर दिया प्रिजन से। 1945 में लेबर गवर्नमेंट जब पावर में आई ब्रिटेन में, तो उन्होंने कमिट किया कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। 1946 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, जिसमें कांग्रेस जीती, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में मुस्लिम लीग जीती।
कैबिनेट मिशन समर 1946 में सेंड किया गया। इस मिशन को इसलिए भेजा गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ सेटलमेंट कराई जा सके, लेकिन वो फेल हो गई। टॉक्स ब्रोक आउट जिन्हा कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को बोला गया था, एंड उस दिन काफी दंगे हुए कलकत्ता में, काफी ब्लडी रायट्स हुए थे। फरवरी 1947 में अब नए वॉयसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ बात हो सके, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। फाइनली ये अनाउंस किया गया कि ब्रिटिश इंडिया अब आजाद हो जाएगा, लेकिन इसके डिवीजन होगा, यानी कि अब इंडिया पाकिस्तान दो हिस्से होंगे। 15 अगस्त डिसाइड की गई वो डेट जब पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लास्ट हीरोइक डेज, महात्मा गांधी जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी मना रहा था, तब वो कैलकटा में, उन्होंने ना किसी फंक्शन में या किसी होस्ट ऑफ अ फ्लैग में पार्टिसिपेट किया, रादर वो 24 आवर्स का फास्ट कर रहे थे उस दिन। गांधी जी और नेहरू की ये इनिशिएटिव था कि माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएं, और टू नेशन थ्योरी वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि दो देश बने, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। 30 जनवरी को गांधी जी अपने नॉर्मल डेली प्रेयर करके आ रहे थे तो उनको गोली मार दी गई। जिसने मारी थी उनका नाम था नथुराम गोडसे। नोइंग गांधी जी, अब हमें गांधी जी के बारे में इतना कुछ पता है कि वो 1915 में आए, फिर उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उनकी पब्लिक अपीयरेंस के बारे में पता चला हमको, हमें पता चला कि कैसे वो जेल में रहते थे बट उनके आइडियाज पब्लिकली स्प्रेड हो रहे थे, लोग फिर भी उनको फॉलो कर रहे थे। इतना कुछ हमें गांधी जी के बारे में कैसे पता चलता है? पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, जो गांधी जी स्पीचेस दिया करते थे उनसे हमें काफी कुछ पता चलता है। काफी सारे लेटर्स लिखे गए हैं, उन लेटर्स के थ्रू भी हमें पता चलता है। लेटर्स इंडिविजुअल को लिखे जा सकते हैं या पब्लिक को लिखे जा सकते हैं, लेकिन कितनी बार जो काफी पॉपुलर लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि वो जो लेटर इंडिविजुअल को लिख रहे हैं वो पब्लिकली भी छप सकता है। तो उस अवेयरनेस से ही लैंग्वेज लिखी जाती है कि कल को अगर वो पब्लिकली छप जाए तो उसकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हमें डिफरेंस रखना चाहिए कि कुछ पब्लिकली लेटर्स होते हैं, कुछ स्पीचेस होती हैं जो सबके लिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के लिए कहे जाते हैं। जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं वो हमें उस इंसान की प्राइवेट थॉट्स, जो उनकी इंडिविजुअली वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में बताता है। महात्मा गांधी रेगुलरली एक जर्नल पब्लिश करते थे हरिजन के नाम से, जिनमें लेटर्स जो और लोग उनको लिखते थे उनको वो पब्लिश किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स को पब्लिश किया था, जो कि गांधी जी और उनके बीच में जब वो नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस टाइम पे जो उनकी बात होती थी उसके रिलेटेड थे। ऑटोबायोग्राफीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी डिटेल में ह्यूमन लाइफ के बारे में पता चलता है, लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए उनको पढ़ते हुए और उनसे मीनिंग निकालते हुए। न्यूज, न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उस वक्त का। क्यों? क्योंकि वो ना ही सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश होती थी पर अलग अलग जो हमारी रीजन्स की लैंग्वेजेस हैं उनमें भी पब्लिश की जाती थी। हर रिपोर्टर गांधी जी के एक्शंस को रिपोर्ट करता था, ध्यान देता था, और हमें न्यूज़पेपर के थ्रू ये भी पता चलता है कि उस टाइम के ऑर्डिनरी लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। न्यूज़पेपर्स पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसे पब्लिश कर रहा है वो इंसान के खुद के भी पॉलिटिकल ओपिनियन है, और उनके थ्रू ही वो उस आर्टिकल को लिख रहा है या किसी भी स्टोरी को वो छाप रहा है। जैसे कि अगर कोई इवेंट होता है, जैसे सपोज आप 1857 का रिवोल्ट ही ले लो, उसके बारे में अगर लंदन की न्यूज़पेपर में छापा गया होगा तो वो बहुत अलग तरीके से लिखा गया होगा, और जब एक इंडियन नेशनलिस्ट पेपर ने उसके बारे में लिखा होगा तो बहुत अलग तरीके से पब्लिश किया होगा। तो इसीलिए हमें सारे के सारे सोर्सेस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आप सारे की सारी टाइमलाइंस को सीक्वेंस में याद रखें। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।